अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? दिस इज कुकिंग क्लब पेट्रन अफशा करीम आपके साथ। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस। इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस आर, हियर वी हैव चिकन जिसको हमने चिकन टिक्का मसाले में कुक कर लिया है और श्रेड करके यहाँ रखा हुआ है। एग हमारे पास है, ब्रेड स्लाइसेस हैं जिनके कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं। ओके, वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, अनियंस हैं, सैलड लीफ है, क्यूकम्बर है, चीज़ है। चीज़ ऑप्शनल है, इफ़ यू लाइक चीज़ तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ओमिट कर दें। सॉस के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं कैचअप, विनेगर एंड मेयोनेज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द रेसिपी, आप सबको पता है कि जब किचन में कुकिंग के लिए आते हैं तो यू हैव टू वॉश योर हैंड, मस्ट है। आपको अपना हाथ वॉश करना है, काउंटर क्लीन रखना है, सब चीज़ें आपके पास मैनेज होनी चाहिए, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रेसिपी। पहले मैं सबसे पहले हम एग लेंगे और हम इसका ऑमलेट बनाना है हमें। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे? सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब है यहाँ मेरे पास, ठीक है। आपके पास पार्सले है, आप पार्सले ऐड कर सकते हैं, मिक्स हर्ब है, मिक्स हर्ब ऐड कर सकते हैं, बट मिक्स हर्ब का फ्लेवर अच्छा आएगा। इसको हम बीट करेंगे और स्लाइटली बटर ऐड करेंगे। बटर में बना रही हूँ, आप ऑयल में बनाना चाहें ऑयल में ही बना सकते हैं, बटर में इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा। एंड एग ऐड कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से स्प्रेड कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। असेंबलिंग की तरफ आते हैं, ऑमलेट हमारा रेडी हो गया है और अब असेंबल करेंगे। 3 स्लाइसेस हमें चाहिए। असेंबल करने से पहले अपने डिप बना लेते हैं ताकि इजीली स्प्रेड कर सकें। ऐड कर रही हूँ केचप, मेयोनीज एंड विनेगर। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आपकी डिप तैयार है। फर्स्ट स्लाइस पे इसको स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से। कॉर्नर्स का ख्याल रखिएगा, कॉर्नर्स में ज़रूर होना चाहिए। सेकेंड स्लाइस पे अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कीजिए, एक्सेस निकाल दीजिए। अच्छा, नाउ सबसे पहले हम सैलड लीफ इसको कट कर देंगे। थोड़ा सा अपने स्लाइस के साइज के अकॉर्डिंग सैलड लीफ को लीजिए। क्यूकम्बर, अनियन रिंग, ठीक है। अगेन स्लाइस जो हमने सॉस लगाया था वो हम अपसाइड डाउन रखेंगे। नाउ चिकन के, और लास्टली इस पे हम
चीज़ रख रहे हैं। चीज़ ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगती है तो आप डालिएगा, अदरवाइज नहीं डालिएगा। चीज़ के बाद हमने जो ऑमलेट रेडी किया था, उस ऑमलेट को हम ऑन द टॉप रख रहे हैं। फ्राइंग पैन अपना गरम कीजिए, बटर के साथ अगेन इसको हमें लास्ट में टोस्ट करना है। ये आपका सैंडविच सैम्बल हो गया है और अब हम इसको टोस्ट करेंगे। बटर ऐड करेंगे फ्राइंग पैन में, दोनों साइड से हमें इसको अच्छे से टोस्ट करना है। थोड़ा हीट अप होने दीजिए बटर को, गोल्डन कलर आना चाहिए आपके सैंडविचेस का। इसको प्रेस कर लीजिए अच्छे से ताकि कोई भी फिलिंग आप जब टर्न करेंगे तो सैंडविच से आउट ना हो। अब इसके टॉप पे बटर दे दीजिए, ठीक है। इसको हम अच्छे से टोस्ट करेंगे फ्रॉम वन साइड एंड देन अनदर साइड। इसको गोल्डन होने दीजिए, बटर के साथ बहुत जल्दी गोल्डन हो जाता है, ख्याल रखिएगा। फाइनली आपका चिकन टिक्का क्लब सैंडविच इज़ रेडी। एंजॉय कीजिएगा, बेहतरीन ब्रेकफास्ट रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है। इसको एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।